हमारी नर्व क्लासेस की कॉमर्स की बुक आ चुकी है। ये कॉमर्स के सभी यूनिट्स कवर करती है, सारे कॉन्सेप्ट्स विथ चार्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड मैनेजमेंट के भी 7 यूनिट्स आपकी कवर करती है। सो अब टोटल हमारी पेपर वन की ये 2 बुक्स हैं, कंसेप्ट वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कॉमर्स की एक ही बुक है, ठीक है। सो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई देगा, और यहाँ पर भी टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं, इतने सारे देखो, और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2012 से लेकर, फिर नीचे आ जाओ, 2023 तक के सारे मिलेंगे, और मेरे खुद के बनाए हुए एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर भी आपको यहाँ मिलेंगे, आप देख सकते हो। सो ये एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे, जो कि बिल्कुल जैसे 100 क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस हिसाब से। और यूनिट वन इस तरीके से चालू है, ऐसे करके ही। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको बहुत क्रिस्प वे में बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई हैं। ये एक ट्रिक है, ऐसे पूरे के पूरे पेपर में आपको सारी ट्रिक्स मिलेंगी, और प्यारे प्यारे चार्ट्स भी मिलेंगे हर एक यूनिट के। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपडेट होती रहती हैं, उनको अपडेट भी कर दिया है A to Z। ये पूरी अपडेटेड बुक है, अकाउंट्स के अंदर भी अपडेशंस होती हैं, इसके अंदर भी आपकी कॉस्ट शीट में चेंजेस हुए थे वो भी डाल दिए हैं, और कुछ जैसे बीच बीच में कुछ एक्ट्स में अपडेशंस होती हैं, और न्यू कॉन्सेप्ट्स भी कहीं ना कहीं ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखो कितने प्यार से समझाया हुआ है। जैसे कि मान लो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो सारे के सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एक्सप्लेनेशन, ये मानविटनी हो गया, ये विल्बॉक्सन हो गया, ये कर्व क्रुस्कल वालिस हो गया, ठीक है। सबसे अच्छी बात, आप लोगों ने जो कहा था कि मैम फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आप देख सकते हो मैंने फ़ॉन्ट को भी पहले पिछली बारी से थोड़ा इंक्रीज़ किया है। ऐसे जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ आओगे, तो HR के सारे यू नो थ्योरीज आपको एक ही जगह मिलेंगी, और एक भी चीज़ इसमें मिसिंग नहीं है। जो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना उतना एवरीथिंग है, और हर चीज़ का जैसे ईयर हो गया, सीक्वेंस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं, तो हेल्प करेगा ईच एंड एवरीथिंग। फिर आपको दिखेगा इस तरीके के बनाए हुए पर्सनलाइज चार्ट्स आपके लिए, और इन सभी में आपके लिए प्रॉपर ट्रिक्स वगैरह बनाई हैं, डायग्राम्स भी मैंने खुद ही बनाए हैं, ठीक है। सो ये लीगल एस्पेक्ट्स हो गया, लीगल एस्पेक्ट्स के बाद आपका हो जाएगा ये प्रॉपर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर भी न्यू चेंजेस जितने भी हुए हैं सारे कर दिए हैं, नया वाला जो बजट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं वो भी कर दिए, और इनकम टैक्स रिटर्न्स का भी एक ही जगह पे पूरा चार्ट बना दिया मैंने, ठीक है। और साथ ही साथ ये लर्नर्स की एडवाइस एक्चुअली इनकम टैक्स के आखिरी पेज पे मैंने दी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी आपके पेपर में आजकल आता है ये देखो नई नई अपडेशंस कौन कौन सी हैं वो भी दे दी मैंने, और समझा भी दी कि कैसे करना है। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ ऑल्सो गिवन हेयर इन दिस पर्टिकुलर बुक। फिर आपके पास MCQs आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 2012 से 2012 से 23 तक के, पहले 2012 से 19 तक के हैं, फिर उसके बाद सभी इंडिविजुअली है आखिरी में, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना, इंडेक्स देख के देखो आपको सब समझ आएगा। तो आपको इंडेक्स देख के क्लियर हो जाएगा कि पहले 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसके अंदर 2020 देखो ये रहे, 19 के बाद आपके पास आ जाएंगे 2020 के, अब दिख रहा होगा क्लियर, फिर 21 की सारी शीट्स, फिर 22 की सारी शीट, फिर 23 की सारी शीट, फिर सैम्पल पेपर, ठीक है। तो पहले 12 से 19 तक सारे कंबाइन है सभी यूनिट्स के, फिर सब यूनिट वाइज, और उसके अंदर भी मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है। जब मैं ये इस तरीके से दे रही हूँ, तो साथ में मैंने लीगल वाले भी साथ कर दिए हैं, मतलब कि यूनिट वाइज, मतलब ईयर वाइज भी है और ये यूनिट वाइज भी है, जिससे आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट का पढ़ना है एक स्पेसिफिक ईयर से, तो वह फटाफट से जाके फाइंड आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सबसे आखिरी पेज होता है वो हमेशा से स्पेशल होता है, आप देख सकते हो टारगेट नेट JRF PhD, तो आखिरी पेज हमेशा मैं थोड़े से नोट्स के लिए रखती हूँ, बीच बीच में भी नोट्स के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट राइट डाउन। तो जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं लगता, या फिर आपको और ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप इस पेज को अपना मोटिवेटर बनाइएगा, और आप इससे
जरूर रिकॉल करके देख सकते हो कि नहीं मुझे इस बार नेट जे आर एफ ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आना है, यू कैन डेफिनेटली एबल टू डू. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम. मीट यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.